हेलो देवान, इन द सीरीज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। ये दोनों टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ऑप्टिकल डिस्क में हम तीन डिवाइसेस की बात करेंगे, थ्री मेमोरीज की बात करेंगे। वन इज योर सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क। नाउ आप सबने ऐसी सीडी देखी होगी, राइट? हम सब लोग यूज भी करते हैं सीडी को, उसको हम बोलते हैं या उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। सो वी कैन से दैट इन ऑप्टिकल डिस्क देयर इज अ रोटेटिंग डिस्क। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सीडी। जब आप उसको सीडी प्लेयर में डालोगे वो रोटेट होती है और उसी से हमें हमारा डेटा डिस्प्ले होता है, डेटा रीड राइट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी तक हमने मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क की बात की है जिसके अंदर मैग्नेटाइजेबल मटेरियल की कोटिंग होती थी। बट इन केस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क एक थिन लेयर होती है मेटल की, वो मेटल कोई भी हो सकता है, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। वो एक्ट करता है एज रिफ्लेक्टिव सरफेस। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो मैग्नेटाइजेबल मटेरियल नहीं होता है ऑप्टिकल डिस्क में, एक थिन लेयर ऑफ मेटल होती है जो रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह वर्क करती है। नाउ इसमें हम लेजर बीम यूज करते हैं रीड राइट ऑपरेशन के लिए। वी यूज लेजर बीम टेक्नोलॉजी रादर देन मैग्नेटाइजेबल सरफेस। Now, unlike magnetic disk, which has many concentric layers, optical disk consists of single long track. Now, what does it mean? हमने क्या था magnetic disk के केस में, उसमें concentric circles होते हैं। ये मैंने आपको picture के through भी दिखाया था, right? Now, ये pattern होता है आपका magnetic disk के केस में। Now, optical disk में कैसा बना होता है? एक single track होता है spiral shape में, it is like this। हम सब ने कछुआ छाप देखी हुई है बचपन में, अभी भी यूज करते हैं हम, वैसे बनी होती है स्पाइरल। सेम पैटर्न हमारा ऑप्टिकल डिस्क का होता है। सो ये डिफरेंस है आपका मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में। मैग्नेटिक डिस्क में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती है, उनको हम ट्रैक बोलते हैं। इनकेस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क देयर इज अ सिंगल ट्रैक, स्पाइरल फॉर्म में पूरा एक सिंगल ट्रैक होता है, ओके। नाउ ऑप्टिकल डिस्क में थ्री कैटेगरीज है, वन इज योर सीडी, सेकेंड इज योर डीवीडी एंड लास्ट वन इज ब्लू रे डिस्क। इनको हम ब्रीफ में लर्न करेंगे कि व्हाट इज सीडी, व्हाट इज डीवीडी। सबसे पहले देखते हैं सीडी। नाउ सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है सीडी, हम सब ने रियल लाइफ में भी देखी हुई है, अपना डेटा भी स्टोर किया हुआ है सीडी पे। मूवीज के लिए भी हम सीडीज लेके आते हैं, राइट? मूवीज जिसमें स्टोर्ड आती है मार्केट से। सो सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी आर सर्कुलर डिस्क, ओके, ये हमें पिक्चर से भी पता चल रहा है सर्कुलर डिस्क है, डेट यूज ऑप्टिकल रेज, यूजुअली लेजर। क्योंकि सीडी को हमने ऑप्टिकल डिस्क में कैटेगराइज किया हुआ है, तो जो ऑप्टिकल डिस्क में टेक्नोलॉजी यूज होती है वही टेक्नोलॉजी आपके सीडी में यूज होती है। सो इट यूज लेजर्स टू रीड एंड राइट डेटा। नाउ देखो सीडी कैसी बनी होती है, जो आपकी हार्डवेयर है जो आप खरीदते हो मार्केट से, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है। सबसे नीचे एक लेयर होती है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की, जो साइड अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है पिक्चर की, जो पीछे वाली साइड है, बैक साइड है, वहां सबसे पहले होता है आपका पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव लेयर होती है एल्यूमिनियम की, एंड उसके ऊपर एक एक्राइलिक लेयर होती है फॉर प्रोटेक्शन, कि आपकी सीडी बहुत इजिली खराब ना हो, प्रोटेक्शन के लिए एक एक्राइलिक लेयर होती है। सो ये थ्री लेयर्स होती है एक सीडी के अंदर। बहुत सस्ती आती है, महंगी नहीं आती है, इसलिए हम बहुत इजिली इनको बाय करते हैं, यूज करते हैं। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट है कितना डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा। नाउ फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB था, उसके कंपेरिजन में सीडी में काफी डेटा आता है, 700 MB कम नहीं होता। इसलिए जब भी हमें कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं तो हम सीडी के ऊपर अपना डेटा राइट करके देते हैं, राइट? सो इट कैन स्टोर अप टू 700 MB। नाउ सीडीज को यूज करने के लिए सीडी ड्राइव होती है, अगर आपने लैपटॉप में भी देखा हो साइड में होती है, या फिर अगर आपका डेस्कटॉप है तो जो आपका सीपीयू कैबिनेट है उसमें एक ड्राइव लगी होती है, आप बटन प्रेस करते हो वो बाहर निकलती है, उसमें आप सीडी इंसर्ट करते हो, ओके। नाउ दीज आर पोर्टेबल, यस, देखने से पता चल रहा है हम इनको बहुत इजिली कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीडी। सीडीज की भी फर्दर टाइप्स है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीडी।
देर आर थ्री टाइप्स. वन इज योर सीडी रोम, इट्स फुल फॉर्म इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट वन इज योर सीडी आर, इट्स कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. एंड लास्ट वन इज सीडी आर डब्ल्यू, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल. वन बाय वन देखते हैं. जो फर्स्ट है आपकी सीडी रोम, रोम नाम से पता चल रहा है, ओके यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, आप उस पर राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि रोम है वो. तो सीडी रोम में आपका मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्डेड आती है वो सीडी, आप उसमें अपना डेटा नहीं डाल सकते. फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से मूवी की सीडी लेके आते हो, वो जब जिस टाइम मैन्युफैक्चर हुई है उसी टाइम उसमें मूवी डाल दी, अब आप उस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते. या फिर सॉफ्टवेयर्स की सीडीज आती हैं, अगर आपको ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी सीडी आती है, अगेन यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, यू कैन ओनली रीड दैट डेटा. ओके, सो ये था सीडी रोम. नेक्स्ट इज योर सीडी आर. सीडी आर का मतलब है आप एक बार उसमें डेटा डाल सकते हो. आपने मार्केट से खरीदी, एक बार उसमें डेटा डाला, नाउ एक बार डेटा डालने के बाद आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. जनरली स्टूडेंट्स यूज करते हैं जब भी उन्हें अपने कॉलेज में असाइनमेंट देना है, प्रोजेक्ट्स देने हैं, तो वो सीडी आर सीडी खरीदते हैं और उसमें अपना डेटा डाला, नाउ नोबडी कैन मॉडिफाई इट, कोई उसको कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, कोई उसको डिलीट नहीं कर सकता. लास्ट वन इज योर सीडी आर डब्ल्यू. आर डब्ल्यू मीन्स रीराइटेबल. उसमें आप बार बार डेटा रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, बार बार मॉडिफाई कर सकते हो. ओके, सो बहुत बेसिक डिफरेंस है तीनों में. सो नेक्स्ट टाइम आप जब मार्केट में जाओगे, आपको पता है आपको कौन सी सीडी खरीदनी है, वो आपकी यूज पर डिपेंड करती है. अगर आपको कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, यू वॉन्ट कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट मॉडिफाई ना कर सके, यू विल गो फॉर सीडी आर. जब आप मार्केट से सीडीज खरीदते हो जिसमें प्री रिकॉर्डेड आपको मटेरियल मिलता है, वो होती है आपकी सीडी रोम. एंड लास्ट वन इज योर सीडी आर डब्ल्यू, जो आप चाह रहे हो अपने यूज के लिए कि बार बार उसमें डेटा डाला, चेंज किया, मॉडिफाई किया, जैसे आप पेन ड्राइव यूज करते हो, तो उस केस में यू विल बाय सीडी आर डब्ल्यू. ओके, सिंपल है. नेक्स्ट इज योर डीवीडी. नाउ डीवीडी सीडी जैसी दिखाई देती है, सेम टेक्नोलॉजी होती है, डिफरेंस होता है कितना साइज का डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो. और आपने डीवीडी प्लेयर होते हैं डीवीडीज को प्ले करने के लिए. डीवीडी प्लेयर भी आपने देखा होगा, बहुत लोगों के घर में भी होता है डीवीडी प्लेयर, जिसमें मूवीज सॉन्ग्स हम सब सुनते हैं. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्प्ले. बिल्कुल सीडी जैसे दिखाई देती है, इट लुक्स जस्ट लाइक अ सीडी एंड यूज सिमिलर टेक्नोलॉजी. देखने से पता चल रहा है ओके राउंड शेप में है, डिस्क की शेप में है, सेम है, बस उसमें डिपेंड करता है, बस उसमें चेंज किया है कितना डेटा वो स्टोर कर सकती है. नाउ डीवीडी कैन स्टोर 15 टाइम्स मोर डेटा देन सीडी. इट कैन होल्ड 4.7 जीबी टू 17 जीबी डेटा. नाउ सीडी में 1 जीबी भी आप पूरा नहीं डाल सकते, बट इन दिस केस आप अप टू 17 जीबी डेटा डाल सकते हो. बहुत ज्यादा डेटा होता है 17 जीबी. नाउ इसमें इतनी हाई डेटा हम क्यों डाल सकते हैं? सी, अभी मैंने आपको बोला कि सेम टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, वैसी दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हम डेटा डिस्क के दोनों साइड स्टोर कर सकते हैं, नॉट जस्ट ऑन सिंगल साइड. यू कैन स्टोर डेटा ऑन बोथ साइड बाय यूजिंग डेटा कंप्रेशन टेक्नोलॉजी. डेटा कंप्रेशन का मतलब होता है कि बहुत लार्ज फाइल है, उसको कंप्रेस करके आपने छोटी कर दी. जैसे आपने जिप फाइल भी सुनी होगी, राइट? यूज कहाँ करते हैं हम डीवीडी को? मल्टीमीडिया फाइल्स को स्टोर करने के लिए, मूवीज को स्टोर करने के लिए वी यूज डीवीडी फाइल्स. नाउ अगेन डीवीडी की भी थ्री टाइप्स है, डीवीडी रीड ओनली, डीवीडी रिकॉर्डेबल, डीवीडी रीराइटेबल. सेम है, सेम डिफरेंस है तीनों में, जैसे हमारे सीडी में था. एक में मैन्युफैक्चर की साइड से बन के आती है, उसमें आप डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते. रिकॉर्डेबल में आप एक बार डेटा डाल सकते हो, रीराइटेबल में बार बार डाल सकते हो. नाउ लास्ट इज योर ब्लू रेड डिस्क. ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, यस दिस इज योर ब्लू रेड डिस्क. जनरली जब आप ये मार्केट से खरीदते हो तो उस पर लिखा आता है बी डी आर, ब्लू डिस्क रे. दिस इज द लेटेस्ट ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया टू स्टोर हाई डेफिनेशन ऑडियो एंड वीडियो. आजकल एच डी का कॉन्सेप्ट आ गया है, टीवीज भी हमारे एच डी में आ गए हैं, मूवीज
सब एचडी में देखते हैं हम लोग। सो एचडी जो मूवीज हैं उनको बहुत स्पेस चाहिए स्टोर करने के लिए, ऑडियो वीडियो दोनों को। दैट इज वाई वी यूज ब्लू रे डिस्क। बिल्कुल सीडी और डीवीडी जैसी ही होती है। ओनली डिफरेंस इज कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर 128 GB ऑफ डेटा। ओके, नाउ एक और डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है, सीडी या डीवीडी में हम यूज करते हैं रेड लेजर बीम, बट इन केस ऑफ ब्लू रे डिस्क वी यूज ब्लू लेजर टू रीड एंड राइट इट। ओके, इसीलिए इसका नाम ब्लू रे डिस्क है, बिकॉज वी यूज ब्लू लेजर इन दिस डिस्क। सो दैट वॉज ब्लू रे डिस्क। सो हमारी सारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। ब्रीफ ओवरव्यू, हमने सारी डिस्क सारी मेमोरी टाइप्स का ले लिया है। सो सेकेंडरी मेमोरी में हमने क्या क्या किया है? सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सिक्वेंशियल में हमने किया मैग्नेटिक टेप, जिसमें आपका प्लास्टिक रिबन होता था, जो आपने बचपन में कैसेट्स देखी हुई हैं गानों की, जो आपकी मूवी की टेप्स होती हैं, वो आपकी मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक डिस्क, जो डिस्क सर्कुलर शेप में है, जो ग्रामोफोन में हम यूज करते हैं, उसे आपको याद रहेगी। मैग्नेटिक डिस्क की आपके 3 कैटेगरीज है, फ्लोपी डिस्क, जिप डिस्क। ये दोनों आजकल यूज नहीं होती है, क्योंकि इनमें बहुत कम डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क है जो हम यूज करते हैं, जिसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते थे, एक के ऊपर एक बहुत सारी डिस्क हम रखते हैं, राइट। सो वो थी आपकी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंदर हम लेजर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में हमने 3 चीजें की हैं, सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। सो ये आपका मेन कैटेगराइजेशन है सेकेंडरी मेमोरी का। नाउ आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम।